यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाती है और वो बी पे इंसिडेंट करती है बी पे टकराती है फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आती है फिर सी पे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होकर डी पे चली जाती है इस तरह से सिंपल है हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस प्रूफ करना है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी अब क्वेश्चन ये है कि प्रूफ कैसे करें देखो माय डियर आप जानते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तो ये लाइंस भी पैरेलल प्रूफ हो जाएंगी इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं तो कहने का ये मतलब है कि सम हाउ इफ वी आर एबल टू प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल तो हमारा काम बन जाएगा तो ये हमारा अब हमारा मिशन क्या है कि हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है कीप इन माइंड तो अभी तक सब सिंपल है समझ आ रहा है सब कुछ यहां पर एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाता है ऐसे ही यहाँ पर है यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसको कहते हैं नॉर्मल और ये 90 डिग्री बनाता है प्लेन से ये 90 डिग्री है इसे एक्स वाई नाम दे देते हैं सो फार एवरीथिंग इज क्लियर तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो अगर हम इसको एंगल वन ले लें तो ये भी एंगल वन होगा और इसे हम अगर एंगल टू ले लें ले, तो ये भी एंगल टू होगा क्यों क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये एक नॉर्मल है कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट होती है और ऐसे रिफ्लेक्ट होती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं यही यहां पर प्रॉपर्टी मैंने यूज की है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वन और टू जो मैंने लिखा है यहां पे वो यहां पे मेंशन कर देते हैं अब यहां पर हम ऐसी स्टेज पे हैं जहां पे हमें एंगल वन और एंगल टू को इक्वल प्रूव करना है क्योंकि अगर एंगल वन और एंगल टू इक्वल हो गए तो इनके डबल्स भी इक्वल होंगे यानी हमारा ये प्रूफ हो जाएगा अब ये इक्वल प्रूफ कैसे होंगे तो इसमें अब एंट्री होती है इन दो एंगल्स की इसको हम एंगल थ्री ले लेते हैं और इसे एंगल फोर ले लेते हैं एंड वेरी क्लियरली ये दोनों इक्वल हैं आप समझ रहे हैं ना एंगल थ्री एंड एंगल फोर इक्वल हैं क्यों इक्वल हैं अरे ये दो पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए अब इससे क्या फायदा हुआ देखो ये तो आप जानते हैं ना कि ये एंगल नाइन्टी है और ये एंगल भी नाइनटी है तो इस वाले एंगल को नाइन्टी कौन बनाता है इस एंगल को नाइन्टी बनाते हैं एंगल वन एंड एंगल थ्री और इस एंगल को 90 कौन कौन बनाते हैं एंगल टू एंड एंगल फोर अब दोनों ही 90 हैं तो ये इक्वल हो गए एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल फोर एंड सिंस एंगल थ्री एंड एंगल फोर तो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो ये यहां पर कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू तो आपको ये समझ आ गया कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू क्यों हुआ है अब इनको अगर हम डबल कर दें तो ट्वाइस एंगल वन इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल टू हो जाएगा है ना भाई सिंपली दो का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में और एंगल वन का डबल क्या हुआ एंगल वन का डबल ये पूरा हो गया एंगल ए बी सी एंगल टू का डबल क्या होगा एंगल टू का डबल ये पूरा एंगल हो गया जो कि है एंगल बी सी डी और जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें यही तो लेके आना था तो सिंस दीज आर इक्वल तो हम क्लियरली कह सकते हैं दे फॉर ए बी इज पैरल टू सी डी वाई बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल प्रूव्ड